वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला चिकन कोरमा। 1 किलो चिकन है जिसको हमने धो के रखा था, 200 ग्राम दही है, ताजी 200 ग्राम प्याज है, जिसको बारीक चॉप काट रखा, 1 चम्मच इसमें मिर्च है और 1 चम्मच इसमें लाल लाल कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इसमें धनिया, 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। ये हमारा मसाला है जो चिकन में जाएगा, गरम मसाला, और ये नारियल है, और ये आधा चम्मच हमारा गरम मसाला है पिसा हुआ, और ये केवड़ा है जो हम तैयारी करेंगे उसमें जाएगा। अब हम शुरू करते हैं अपने प्याज फ्राई। अभी हम इसमें तेल डालते हैं, इसमें तेल 200 ग्राम है जो हमारी इसमें प्याज भी फ्राई होनी है। अब ये हमने इसमें प्याज डाल दी जिसको हम फ्राई करेंगे। जब तक हम प्याज फ्राई करेंगे तब तक हम और काम देखते हैं। आप कोरमे तो बहुत खाए होंगे, मगर ये शादी वाला दानेदार बेहतरीन कोरमा बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही मज़े का लगता है। ये आप अपने घर में बनाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। ये हमारी प्याज अब गुलाबी हो गई है। अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा अगर पकाएंगे तो ये जल जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा इसमें ही 1 मिनट के बाद निकाल लेना है। सुनहरा होने तक ही इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं जलानी। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसका तेल सारा तेल इसमें निकाल देंगे। अब हम इसमें ये चिकन जाएगा, ये हमारा दही आ गया। लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, मिर्च, नमक, बिस्मिल्लाह। ये गरम मसाले, इसको हल्के हल्के चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे सारे मसाले, इसमें बैठ जाएं। और इसको हम ढक के रखेंगे जब तक ये गल नहीं जाए।
ये गरम मसाला है, ये भी इसमें जाएगा। और इसमें केवड़ा, एक चम्मच ये भी जाएगा। अब इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, इसके अंदर सारा मिक्स हो जाए और इसमें खुशबू आ जाए। इसकी कोरमे की जान है ये, और जब दाना बनता है कोरमे से, तो कोरमे में जो दाना बनता है वो इसी चीज़ से बनता है। ख्याल रखें, कोरमा बनाते वक्त बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे कोरमे में दाना नहीं बनता, शोरबा बन जाता है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो शोरबा नहीं बनेगा, दाना बनेगा। जो शादियों वाला खाना होता है उसके अंदर आता है। अब ये हम अपना देखते हैं इसमें कितनी कमी है। इसमें भी आप अपना ले रहे हैं, अभी इसमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। अभी बोटी थोड़ी सी, हम इसको ढक के रख देते हैं। बिस्मिल्लाह रहीम। देखिए हमारा चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। अब गल भी गया अच्छे से। अब हम इसमें ये जो मसाले बनाए थे अब ये शामिल कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा मसाला हुआ, माशाल्लाह खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है। खाने में बहुत लजीज, चपातियों के साथ भी अच्छा लगता है। अब ये थोड़ी देर के लिए 10 से 5 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने दम पर रखा था, अब ये तैयार हो गया है हमारा कोरमा। देखिए कैसी अच्छी खुशबू आ रही है, और देखिए कैसा दानेदार बना है ये। अब हम इसको डिश में करते हैं।